मैं तो चाहता हूँ राहुल गांधी आए हैं, मोदी भी आए, खट्टर भी आए, सब बैठे ना ट्रैक्टर पे। तो आप कहते हो आप देवीलाल जी के वारिस हो, किसान राजनीति के वारिस हो, तो भाई आ जाओ किसानों के बीच। मैं तो सलाम करता हूँ पंजाब के किसानों को कि उन्होंने सही बात को पकड़ा है और इस मामले को आगे लेके जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आप सब जानते हैं पूरे देश में इस वक्त किसान आंदोलन अंगड़ाई ले रहा है और सब जगह जो तीन कानून बने हैं, नए जो कानून बनाए गए हैं कृषि के संबंध में, उसके बारे में बात हो रही है, हर स्तर पर बात हो रही है, गांव पर, देश में सब जगह बातें हो रही हैं। लेकिन इस आंदोलन का वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, इसके बारे में बात करने के लिए आज हम मिल रहे हैं योगेंद्र यादव जी से। योगेंद्र जी नमस्कार, आपका स्वागत है। पहले तो योगेंद्र जी ये बताइए कि ये जो आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता जा रहा है, पंजाब हरियाणा में तो है ही है, आगे भी बढ़ता जा रहा है, आप क्या देखते हैं? जैसे हम आप सिरसा में हैं और सिरसा में ये आंदोलन चल रहा है, सिरसा से लेकर देश के स्तर पर इस आंदोलन की क्या स्थिति रहने वाली अगले आने वाले दिनों में? राष्ट्रीय स्तर पे यह आंदोलन धीरे धीरे बाकी देश में फैल रहा है। शुरू हुआ पंजाब से, फिर हरियाणा और बाकी देश। 25 तारीख को जब भारत बंद हुआ तब भी सिर्फ हरियाणा पंजाब का नहीं था, तमिलनाडु में 300 जगह विरोध हुआ, कर्नाटका में एक दिन नहीं दो दिन सारे किसान संगठनों ने बंद रखा, महाराष्ट्र के जिले जिले में इसकी प्रतियां जलाई गईं। तो ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बन रहा है। जितनी गर्मी पंजाब में है उतनी बाकी कहीं नहीं थी, लेकिन अब जब सिरसा में आंदोलन शुरू हुआ है 6 तारीख से शुरू होके, मैं समझता हूँ कि अब पूरे लक्षण हैं कि सिरसा अब अगली धुरी बनेगा इस आंदोलन की। ये सिर्फ सिरसा का आंदोलन नहीं है, पूरे हरियाणा का आंदोलन है और इसमें संभावना है कि पूरे देश के आंदोलन की धुरी बनेगा। 6 तारीख से लेके जिस तरह इस आंदोलन में अपार जन समूह जुड़ा और जिस तरह से इस आंदोलन के नेतृत्व ने, मैं तो धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ 17 किसान संगठनों को, उन्होंने जिस तरह से इस आंदोलन को एक नहीं बार बार साजिशों से बचाया। पहली साजिश हुई वहीं पे इस आंदोलन को हिंसक बना देने की, दूसरी साजिश हुई इस आंदोलन को धरने को तोड़ देने की, तीसरी साजिश हुई किसान नेताओं को और किसानों को अलग अलग करके पर्चे बनाने की। हर साजिश से बाहर आते हुए जिस तरह से इन्होंने पक्का मोर्चा लगाया है, उससे मुझे बहुत उम्मीद लग रही है कि सिरसा अब आने वाले किसान आंदोलन की देश भर में धुरी बनेगा। चूँकि इस आंदोलन की जो मांग है कि उप मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री इस्तीफा दें, चूँकि ये सवाल कुर्सी और किसान का है जी, तो ये जो पूरे देश का संघर्ष है ये किसी पार्टियों का संघर्ष नहीं है, ये सत्ता बनाम किसान है। और जो सिरसा का संघर्ष है वो उसी का एक प्रतिबिंब बन गया है, उसी का एक आईना बन गया है। हरियाणा के अगर किसान आंदोलन की बात करें, हरियाणा में अभी बिखरा आंदोलन है, पीछे पिपली में कांड हुआ, लाठी चार्ज हुआ, वहाँ भी कुछ ये आंदोलन बनना शुरू हुआ, अब सिरसा भी एक केंद्र बन गया। ऐसा नहीं है कि कई ध्रुव अगर बन जाए एक आंदोलन के तो ठीक रहेगा क्या, हरियाणा की अगर बात करें तो? आंदोलन का तरीका होता है कि स्वतः स्फूर्त उठता है। हरियाणा में शुरुआत बिल्कुल पिपली में हुई और वहाँ किसानों के साथ जो बर्ताव हुआ उससे पूरा हरियाणा में रोष हुआ, गुस्सा हुआ, और वहीं सिरसा में भी उससे मदद मिली है। फ़र्क सिर्फ ये है कि सिरसा वालों ने पहली 3-4 बाधाओं को पार करते हुए एक पक्का मोर्चा लगा दिया है, जिससे अब एक जिसे कहते हैं, मुझे लगता है जैसे बेस कैंप होता है, पहाड़ की चढ़ाई करते हैं तो एक बेस कैंप बनाते हैं, बेस कैंप बन गया है। और वो बेस कैंप इतना पुख्ता है, इतना मजबूत है कि अब वहाँ से ऊपर की चढ़ाई संभव है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि वो बढ़ेगा। बाकी बड़ा आंदोलन होता है तो वो स्वतः स्फूर्त तरीके से अलग अलग जगह शुरू होता है, फिर जुड़ जाता है। जैसे पंजाब में अलग अलग संगठनों ने बार बार किया, बाद में 31 जत्थेबंदियाँ एक साथ आ गई। तो मुझे लगता है और जगह हो, अलग अलग जगह हो, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, तरह तरह से हो, और मुझे विश्वास है कि अंततः ये सब धाराएं मिलके एक बड़ी नदी की शक्ल लेंगी। यहाँ जो स्थितियाँ हैं, हरियाणा की जो स्थितियाँ, धरातल की जो स्थितियाँ, अभी आंदोलन बनना शुरू हुआ है हालांकि, और आप कह रहे हैं कि तालमेल होगा उसके बाद बड़ा आंदोलन बनेगा, सिरसा
से जो भूमिका शुरू होती है, ये कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक इसको ले जाया जा सकता है? सिरसा के जन आंदोलन की जो मांग है बड़ी सीधी है, कुर्सी या किसान। कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी से कि आप चुन लो, आप कहते हो आप देवीलाल जी के वारिस हो, किसान राजनीति के वारिस हो, तो भाई आ जाओ किसानों के बीच, छोड़ दो। ऐसे जिन कानूनों का समर्थन एक भी किसान नेता, एक भी किसान संगठन नहीं कर रहा है, उसके लिए ढाल बनने का काम चौधरी देवीलाल का वंशज क्यों कर रहा है? छोड़ दो, आ जाओ हमारे बीच। छोड़ दोगे, हो सकता है किसान आपको इससे भी बड़ी कुर्सी दे दे। लेकिन अगर कुर्सी से चिपकना है और कुर्सी के जो सारे लालच होते हैं उसका करना है, तो भाई चौधरी देवीलाल का नाम लेना बंद कर दो। कह दो कि मैं किसानों का प्रतिनिधि नहीं हूँ, फिर करो, फिर किसान निपट लेगा आपसे जैसे बाकी सब जगह से निपटता है। तो इसलिए यह आंदोलन जाएगा क्योंकि बड़ा मुद्दा है, दूर तक जाएगा और कहीं ना कहीं सत्ता को हिलाएगा। और उद्देश्य भी यही है कि जो सरकार, जो सत्ता ऐसे किसान विरोधी कानून लाती है और जो केवल एक ही भाषा समझते हैं कि इनका सिंहासन हिलाया जाए या नहीं, उनका सिंहासन हिलाना आज किसान का धर्म है, वही काम कर रहे हैं। आज एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उन्होंने गोहाना में ये किया है जहाँ पर बड़ौदा का उपचुनाव भी होने वाला है, और वहाँ पर कुछ लोग आए हैं ट्रैक्टर लेकर अपने अपने पार्टी के झंडे लगाकर। वो कौन लोग हैं? वो किसान हैं? वो अगर इस तरह का आंदोलन कोई खड़ा बराबर करना चाह रहे हैं तो इसके क्या मायने आप समझते हैं? वो क्या कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा? मैं तो स्वागत करता हूँ जी, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। अगर मेरा अधिकार है इन कानूनों के खिलाफ खड़ा होना, उनका अधिकार है इन कानूनों के पक्ष में खड़ा होना। बस ये है कि सचमुच किसान हो और उस किसानों के सामने आए, अच्छी बात है। ट्रैक्टर तक पहुंच गए हैं, मैं तो चाहता हूं राहुल गांधी सोफे वाले ट्रैक्टर पे आए, वो थोड़ा टाइम सोफे के बाद उतरना भी सीख जाएंगे। बीजेपी वाले एयर कंडीशन कमरों से बाहर आके ट्रैक्टर पे तो एटलीस्ट आए हैं, अच्छी बात है। थोड़े दिन में ट्रैक्टर से नीचे भी किसान इनको उतार लेगा। मैं तो चाहता हूं राहुल गांधी आए हैं, मोदी भी आए, खट्टर भी आए, सब बैठे ना ट्रैक्टर पे, और थोड़े दिन में किसान इनको सबको नीचे उतार लेगा, कुछ सवाल इनसे पूछ लेगा। तो जब सवालों का जवाब दिया जाएगा तब पता लगेगा। आए जनता के बीच, किसानों के बीच आए, उनके सवालों का जवाब दें। लोकतंत्र है, किसान सवाल पूछना सीख गया है, जवाब लेना भी सीख लेगा। पंजाब में एक अलग तरह का आंदोलन शुरू हो रहा है अडानियों अंबानियों के खिलाफ, जहां सिम पोर्ट करने की बात हो रही है, जो उनके सेलो बनाए गए उनका विरोध हो रहा है, उनके पेट्रोल पंप तक का और उनके जो स्टोर्स हैं उनका विरोध हो रहा है। ये कोई ठीक रास्ता है क्या? आंदोलन का ये रास्ता इस तरह होना चाहिए? पंजाब के किसान ने नब्ज पकड़ ली है, पंजाब के किसान ने समझ लिया है कि ये कानून सिर्फ MSP का नहीं है, सिर्फ मंडी का नहीं है, ये कंपनी राज लाने के कानून हैं। और कंपनी राज को चुनौती देनी है तो उन कंपनियों की, और ये कंपनियाँ अच्छाई बुराई की बात नहीं समझती हैं, सिर्फ नफ़े की बात समझती हैं, तो उनके नफ़े पे चोट करो तो फ़र्क पड़ेगा। उस लिहाज से मैं तो सलाम करता हूँ पंजाब के किसानों को कि उन्होंने सही बात को पकड़ा है और इस मामले को आगे लेके जाएंगे। मैं नहीं कहता कि हर जगह ऐसा होना चाहिए, पंजाब में बन रहे हैं अडानी के, लेकिन देश का किसान जब खड़ा होगा तो वो ज़रूर उन कंपनियों पे सवाल पूछेगा जिनके लिए कानून बन रहे हैं। ये होना स्वाभाविक है और मैं नहीं समझता इसको कैसे रोका जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत 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 धन्यवाद।